सो गाइस, जो बजाज है वो हमें एक से बढ़कर एक सरप्राइज आजकल दे रहा है। पहले बजाज ऑटो ने ट्रेडमार्क फाइल किया था पल्सर इलैन और पल्सर एलेगेंस का, और अभी गाइस हमारे पास न्यूज आया है कि बजाज ने अपनी न्यू बाइक का ट्रेडमार्क फाइल किया है और उस बाइक का नाम होने वाला है बजाज ब्लेड। और यहाँ पर गाइस ब्लेड से हमें कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो है वो बजाज की अपकमिंग कम्यूटर बाइक होने वाली है, जिससे आपको काफी बढ़िया माइलेज जो देखने को मिलने वाली है। और इससे पहले बजाज की दो बाइक्स है, एक CT 100 और सेकंड प्लैटिना होगी। तो गाइस बजाज जो इस रेंज में अपनी जो कंपटीशन है उसको इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अभी कम्यूटर बाइक में हीरो और होंडा कंपनी का दबदबा है। और गाइस बजाज चाहता कि भाई मेरा भी दबदबा इस सेगमेंट में हो जाए, और आने वाले टाइम में गाइस बजाज अपनी एक से बढ़कर एक बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। सो गाइस आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो बजाज की अपकमिंग बाइक है इसमें आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल सकते हैं और ये वाली बाइक कब तक लॉन्च हो सकती है। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो गाइस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक करना बनता है। तो चलिए गाइस अब बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। So, यहाँ पर गाइस अगर मैं बात करूँ उस बाइक के इंजन के बारे में, तो आपको गाइस इस बाइक में अप्रोक्सीमेटली 99cc का इंजन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये एयर कूल्ड इंजन होने वाला है, और आपको इस इंजन से 8 PS के राउंड की पावर देखने को मिलेगी, और आपको इस बाइक से 7 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको उस बाइक में 4-speed गियर बॉक्स मिलेगा, और यहाँ पर गाइस आपको काफी बढ़िया लुक इस बाइक की देखने को मिलेगी, जो कि और कम्यूटर बाइक से बेहतर होगी। और गाइस जैसे कि वीडियो में पहले बात की थी कि अभी इंडियन मार्केट के अंदर हीरो और होंडा कंपनी का दबदबा है कम्यूटर बाइक्स की सेगमेंट में, और गैस अभी बजाज भी इस रेस में शामिल होने वाला है। और अभी एक इंटरव्यू में जो बजाज ऑटो के MD है उन्होंने कंफर्म किया था कि वो आने वाले समय में अपनी एक से बढ़कर एक बाइक को लॉन्च करने वाले हैं, और वो बजाज और पल्सर ब्रांड को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। तो गैस देखते हैं कि आने वाले समय में जो बजाज वो क्या क्या कारनामे करता है और कैसी कैसी बाइक में बजाज की देखने को मिलेगी। और गैस अगर बात करूं उस बाइक के लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो गैस अभी ये वाली जो बाइक है वो हमें 2023 तक ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल जो बजाज है वो अपनी पल्सर NS और RS को लॉन्च करेगा, और इसकी लॉन्चिंग लगभग हमें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाली है। और गाइस आप में से कौन-कौन एक्साइटेड है पल्सर NS और RS की लॉन्चिंग को लेकर, ये तो गाइस आपको मुझे प्लीज कमेंट करके बताना है। और गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस आपसे बहुत ही जल्द मिलना होगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।